नमस्कार, आज के आई ग्रास्प कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। हमेशा याद रखिए कि आपके स्कूल के जीवन के दौरान सबसे अच्छा समय वही था जब आपने मिलजुल कर काम किए थे। जैसे एक बैंड में किसी भी प्यारी सी धुन के लिए हर किसी चीज की जरूरत होती है, उसी प्रकार स्कूल की आपकी यात्रा में सहयोग की भावना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। पूरे सीजन में डोमिनेट करने और क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल तक अनबीटन रहने के बावजूद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से करीबी फाइनल हार गई। ट्रेविस हेड्स की शानदार सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रिकॉर्ड 6th बार आईसीसी वर्ल्ड कप टाइटल जीता। समापन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस को ट्रॉफी सौंपी। विराट कोहली को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया, जबकि मोहम्मद शमी 7 पारियों में 24 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर रहे। हम इस जीत के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम को बधाई देते हैं और अमेजिंग परफॉर्मेंस करने वाली ब्लू जर्सी पहने खिलाड़ियों पर हमें बहुत गर्व है। हमें यकीन है कि वे अगला खिताब जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट रूबी ब्रिज को 2024 में अमेरिका के विमेंस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि यह हॉल ऑफ फेम 1969 में स्थापित किया गया था और ग्लोबल स्केल पर महिलाओं की उपलब्धियों और इम्पैक्ट के लिए उन्हें सम्मानित करता है। उन्हें अगले साल मार्च में विमेंस हिस्ट्री मंथ के दौरान एक समारोह में यह सम्मान मिलेगा। इनके अलावा 6 और नॉमिनी भी हैं जिन्हें यह समारोह में सम्मानित किया जाएगा और हम उन सभी को इस इनक्रेडिबल रिकॉग्निशन के लिए बधाई देते हैं। पिछले हफ्ते लास वेगास में हुई F1 ग्रां प्री में केओस भी था और थ्रिल भी, लेकिन हमेशा की तरह मैक्स वर्स्टैपेन ने अपनी बादशाहत कायम रखी। फरारी के चार्ल्स लेक्लेर्क और रेडबुल के उनके साथी सर्जियो पेरेज को 5 सेकंड की पेनल्टी से पार पाने के बाद वर्स्टैपेन ने कड़े मुकाबले में पहला स्थान हासिल किया। इस सीजन में सिर्फ एक और रेस बाकी है। हम यह देखने के लिए बेताब है कि अबू धाबी के यास मरीना सर्किट में क्या होता है। हाल की एक स्टडी में पाया गया है कि भारत के प्रसिद्ध वेस्टर्न घाट्स में 1990 और 2020 के बीच में सॉइल इरोशन लगभग 94% बढ़ गया है। गुजरात से केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ वेस्टर्न घाट अनूठा लैंडस्केप है। क्या आप जानते हैं कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई है और यह पृथ्वी के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है। लेकिन यह सॉइल इरोजन पूरे क्षेत्र के लिए काफ़ी हानिकारक है और हमें उम्मीद है कि हम इस खूबसूरत जगह को प्रिजर्व करने का कोई समाधान खोजने में सफल होंगे। क्या आप ऑक्सीजन के बिना हमारे ग्रह की कल्पना कर सकते हैं? यह लगभग असंभव लगता है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का हिस्सा लगभग 21% है और मनुष्य सहित कई स्पीशीज के सर्वाइवल में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब ग्रह अस्तित्व में आया था तब ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी और अब साइंटिस्ट ने भविष्यवाणी की है कि डिस्टेंट फ्यूचर में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहले की तरह ऑक्सीजन कम हो जाएगी। लेकिन चिंता ना करें, यह सिनेरियो लगभग 1 बिलियन ईयर्स दूर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक और शानदार कदम उठाने जा रहा है। नासा के साथ मिलकर यह 12 दिनों में पूरी दुनिया को मैप करेगा। इसके लिए निसार नामक एक अपनी तरह से अनूठे सैटेलाइट को विकसित किया जाएगा। यह सैटेलाइट 12 दिनों में पूरे ग्लोब को मैप करेगा, जिसमें हमें पृथ्वी के इकोसिस्टम्स को बेहतर ढंग से समझने और अर्थक्वेक्स और सुनामीज जैसे नेचुरल हैजर्ड्स की भविष्यवाणी करने में भी मदद मिलेगी। आई ग्रास्पर्स, क्या ये रोमांचक बात नहीं है? हमें यकीन है कि आप सभी ने अब तक चैट जीपीटी के बारे में जरूर सुना होगा।
लेकिन क्या आप इस चैटबॉट को बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन OpenAI के बारे में जानते हैं? अभी हाल ही में OpenAI की co-founder और CEO सैम ऑल्टमैन को बोर्ड ने एक सरप्राइज मूव में बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक्सपर्ट्स इस घटना को उस घटना के समान मान रहे हैं जिसमें 1985 में स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी एप्पल ने बाहर कर दिया था। OpenAI के कर्मचारियों ने मिस्टर ऑल्टमैन को हटाने पर बोर्ड से इस्तीफे की मांग की है। इस प्रेशर के चलते कंपनी को नए बोर्ड मेंबर्स नियुक्त करने पड़े और सैम ऑल्टमैन को सिर्फ 5 दिन के भीतर ही CEO के रूप में वापस लाना पड़ा। लेकिन यह देखना बाकी है कि सिलिकॉन वैली की ये रोमांचक गाथा आगे क्या मोड़ लेती है। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं क्योंकि एमी अवार्ड्स के वर्ल्ड टेलीविजन फेस्टिवल का 91वां एडिशन इस सप्ताह के शुरू में संपन्न हुआ। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल एमीज पूरी दुनिया के टीवी एक्टर्स और क्रिएटिव परफॉर्मर्स के लिए मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड्स में से एक है। भारतीय कॉमेडियन वीर दास ने वीर दास लैंडिंग स्टैंड अप स्पेशल के लिए बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीता। भारतीय कलाकार शेफाली शाह और जिम सर्व को भी नॉमिनेट किया गया था लेकिन वे अपनी कैटेगरीज में नहीं जीत पाए। एक्टर और कॉमेडियन रिज डाबी ने इस अवार्ड शो को होस्ट किया था और इसमें विभिन्न देशों के कई अन्य कलाकारों और सीरीज को उनके शानदार काम के लिए रिकग्नाइज किया गया था। हाल ही में हुए एक ऑक्शन में एक असाधारण रेयर ब्लू डायमंड रखा गया था और जिनेवा में रेयर जूल्स की क्रिस्टी बिक्री में वह 43.88 मिलियन डॉलर्स में बिका था। क्या आप जानते हैं कि आज तक के बेचे गए 10 सबसे महंगे जूल्स में से वह एक है। अपने रिच ब्लू कलर और अनमॉडिफाइड पर्ल शेप के कारण वह एक अनूठा डायमंड है। इस अनूठे डायमंड का नाम ब्लर अयाल है और इसका बखान किताबों में निश्चित रूप से होगा। दुनिया के लैंडमार्क्स बिग बेन लंदन यूनाइटेड किंगडम प्रचलित धारणा के बिल्कुल विपरीत वास्तव में क्लॉक टावर नहीं है बल्कि यह क्लॉक टावर में स्थित 13 टन की घंटी है। यहाँ कुल 4 क्लॉक्स हैं जिनके डायल 23 स्क्वायर फीट के हैं। मिनट की सुइयां 14 फीट लंबी हैं और इन पर लिखी हुई संख्याएं 2 फीट की हैं। बिग बेन 1859 में तैयार की गई थी और यह ग्रेट क्लॉक 31 मई को शुरू की गई। जुलाई को इसमें पहली बार समय बताया गया था और क्वार्टर बेल्स पहली बार 7 सितंबर को बजी। यह लंदन का एक प्रसिद्ध लैंडमार्क है और रात को जब ये क्लॉक्स जगमगाते हैं तो बहुत शानदार लगते हैं। इस सप्ताह का नवीन शब्द है उषा, जिसका मतलब है सुबह या भोर। उषा होते ही पंछी अपने घोंसलों से निकल नीले आकाश में उड़ने लगते हैं। इस सप्ताह की पहेली है सुबह आता शाम को जाता दिन भर अपनी चमक बरसाता समस्त सृष्टि को देता वैभव इसके बिना नहीं जीवन संभव बताओ क्या सूरज। क्या आपको मालूम है कि लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने ब्रिटिश जहाज टाइटैनिक के डूबने से लगभग 14 साल पहले उसके डूबने की भविष्यवाणी कर दी थी। 1898 में उनका एक नॉवल द रेक ऑफ द टाइटैनिक प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने न डूबने वाले ब्रिटिश ओशन लाइनर के बारे में लिखा है कि वहां कोई लाइफबोट्स नहीं थी और वह एक आइसबर्ग से टकराकर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया था। वह जहाज अप्रैल में डूबा था जबकि वास्तविकता में वह जहाज 15 अप्रैल 1912 में डूबा था। है ना हैरानी की बात। किस कथा लेखक ने अपनी पुस्तक में चंद्रमा के अवतरण की भविष्यवाणी की थी? अपने उत्तर contactus@igrasp.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। आर्ट थेरेपी कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन को कम करती है।
भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास्प द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार की पावनी राजकुमार का हार्दिक अभिनंदन। हमें उम्मीद है कि आपको आज का यह समाचार कैप्सूल पसंद आया होगा। मिलजुल कर काम करके आप हर क्लासरूम को एक स्टेज, हर प्रोजेक्ट को एक मास्टरपीस और हर चुनौती को जीत का एक अवसर बना सकते हैं। अपनी टीम स्पिरिट को गले लगाकर देखें और आप पाएंगे कि स्कूल की आपकी यह यात्रा कितनी शानदार है। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।